अब हम पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर्स स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं, थ्री डायमेंशनल सिस्टम है तो नेचुरली हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर्स होंगे। ये तीन यूनिट वेक्टर्स में से एक वेक्टर आर डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो वो यूनिट वेक्टर ए आर बन जाएगा। एक थीटा डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो बन जाएगा ए थीटा, और एक रिप्रेजेंट कर रहा होगा फाई एंगल को तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा ए फाई। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये तीन यूनिट वेक्टर्स जो ऑर्थोगोनल सिस्टम के पार्ट है एक दूसरे से 90 डिग्री पर लाई करते हैं। इनके ऑर्डर के बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगी कि किस ऑर्डर में हम इनको ऑलवेज वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। एज आई एम सेइंग इट इज आर थीटा फाई तो ऑर्डर यही चलेगा। बट इससे पहले मैं समझाना चाहूंगी कि ये तीन यूनिट वेक्टर्स जो हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डायमेंशंस को, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स किन डायरेक्शंस में काम करेंगे, एक्ट होंगे। इसे समझने के लिए फॉर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ थ्री यूनिट वेक्टर्स ए आर, ए थीटा और ए फाई, हमें समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर द रेंजेस ऑफ आर थीटा और फाई। आर थीटा फाई की रेंजेस क्या है, मतलब आर कहां से कहां तक वैरी करता है, थीटा कहां से कहां तक वैरी करता है, फाई कहां से कहां तक वैरी करता है। फिर मैं इनकी डायरेक्शंस पर आऊंगी और आगे की बात अपन कंटिन्यू करेंगे। आर नेचुरली जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो अपने पर्टिकुलर डायमेंशंस के बढ़ने के डायरेक्शन में एक्ट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ए आर यूनिट वेक्टर जो एक्ट होगा वो आर के इंक्रीमेंट के डायरेक्शन में एक्ट होगा। जिस डायरेक्शन में आर बढ़ रहा होगा वो ए आर की डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में थीटा बढ़ रहा होगा वो ए थीटा की डायरेक्शन होगी, और जिस डायरेक्शन में फाई बढ़ रहा होगा वो डायरेक्शन हमारी ए फाई की होगी। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं ए आर की डायरेक्शन की बात करूं तो ए आर जो है यूनिट वेक्टर नेचुरली इसके अलोंग एक्ट कर रहा है। अभी डायरेक्शन मैंने जो बताई है वो ऊपर की तरफ दिखाई है, बट देयर इज अ रीजन कि क्यों ये ऊपर की तरफ है। आर की सबसे लोएस्ट वैल्यू कहाँ हो सकती है, आर इक्वल टू जीरो ओरिजिन पर, और आर की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ हो सकती है, इंफिनिटी में, मतलब मेरा स्फेरिकल शेल जिसकी रेडियस इनफाइनाइट हो सकती है तो ये स्फेरिकल शेल मतलब जिसका रेडियस इनफाइनाइट है तो नेचुरली आर की जो वैल्यू है वो जीरो टू इंफिनिटी के बीच में वैरी करेगी। आर कैसे बढ़ रहा है इसका मतलब इस डायरेक्शन में, तो नेचुरली फिर आपका ए आर यूनिट वेक्टर भी एक्ट करेगा इसी डायरेक्शन। आर जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, आर ओरिजिन पर मिनिमम होता है, इन्फिनिटी पर मैक्सिमम होता है, तो आर के बढ़ने की डायरेक्शन ये वाली होने की वजह से ए आर की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, दिस वी कैन से। अब हम समझना चाहेंगे थीटा के बढ़ने की डायरेक्शन क्या है। थीटा पहले तो हमें मालूम है, पर फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि थीटा कहाँ लाई कर रहा है। थीटा जेड एक्सिस और ओपी के बीच का एंगल होता है। पी जो भी पॉइंट है जो स्पेसिफाई करके रखा है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उस पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ रहे हैं, तो ये जो लाइन है वो लाइन जॉइनिंग द पी पॉइंट फिर विद द ओरिजिन है। ये लाइन जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो आपका थीटा एंगल है। ये मेरे स्फेरिकल शेल की रेडियस है। रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल चूंकि पूरा ओरिजिन को सेंट्रलाइज करके मैं इमेजिन कर सकती हूं इस तरीके से, तो रेडियस स्फीयर की कहीं भी लाई कर सकती हूं ओरिजिन से, अबाउ दिस प्लेन, बिलो दिस प्लेन, लेफ्ट टू दिस प्लेन, राइट टू दिस प्लेन, एंड एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी हम बात कर सकते हैं, फ्रंट टू द बोर्ड एंड बैक टू द बोर्ड दिस वे। तो आर रेडियस कहीं भी एग्जिस्ट कर सकती है, पर आर की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। इसका मतलब थीटा मेरा कहीं भी
अगर r मेरा यहां एग्जिस्ट कर रहा है तो थीटा की वैल्यू ये वाली हो जाएगी। r अगर मेरा माइनस z एक्सिस पर लाई कर रहा है, रेडियस ऑफ द स्फीयर माइनस z एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी जो कि 180 डिग्री होगी। इस तरीके से थीटा की जो वैल्यू वैरी हो रही है वो 0 to 180 डिग्री में वैरी हो रही है। हम थीटा के वेरिएशन को फिर से दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, वो ऐसे कि अगर आर जो है वो लाई कर रहा है प्लस जेड एक्सिस पर कहीं भी, अगर ये हाइट है या इस मैग्नीट्यूड की है रेडियस, तो आर पी पॉइंट हमारा लाई कर रहा है जेड एक्सिस पे, तब थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले रही हूं, अगर मेरा P पॉइंट यहां लाई कर रहा है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री मींस पाई। व्हाट डज दिस मीन? मैं थीटा की वैल्यू कैसे मेजर कर रही हूं? रेडियस और ओपी के बीच के एंगल को मैं थीटा डिफाइन कर रही हूं। तो थीटा मेरा हो सकता है 0 डिग्री इफ इट इज लाइंग ऑन द पॉजिटिव z एक्सिस और 180 डिग्री इफ इट इज लाइंग ऑन द माइनस z एक्सिस। सो द मैक्सिमम वैल्यू 180 डिग्री कुड बी देयर, और बाकी किसी भी लोकेशन पर, p की लोकेशन कुछ भी हो, वहां पर थीटा की वैल्यू इन बिटवीन 0 टू 180 डिग्री ही होगी। सो थीटा इज बीइंग डिफाइंड बिटवीन 0 टू 180 डिग्री। अब हम रेंज डिफाइन करना चाहते हैं फाई की। फाई की डेफिनेशन क्या है? फाई की डेफिनेशन जो है वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया हुआ एंगल, किसका? प्लेन का। ये जो रेक्टेंगुलर प्लेन हम शो कर रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर प्लेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है वो एंगल हमारा हो जाता है फाई। अब ये प्लेन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इस एंगल की वैल्यू 0 टू 90 डिग्री के बीच में हो सकती है। ये प्लेन अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस और निगेटिव एक्स एक्सिस के बीच में लाई करेगा तो फाई की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री होगी, बट फाई इज गोइंग टू बी मेजर्ड इन दिस मैनर ओनली। तो फाई की वैल्यू जो होगी वो 0 टू 2π या 360 डिग्री के बीच में होगी। इन दिस वे रेंज ऑफ फाई इज 0 टू 360 डिग्री और 0 टू 2π। फिर से रिपीट करती हूं, आर की रेंज जो है वो 0 टू इंफिनिटी, थीटा की जो रेंज है वो 0 टू 180 डिग्री, फाई की जो रेंज है वो 0 टू 360 डिग्री है। अब ये रेंज के साथ साथ मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ये पर्टिकुलर तीनों डायमेंशंस किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। आर का बढ़ना ये है, थीटा का बढ़ना ये डायरेक्शन है, और फाई का बढ़ना ये वाली डायरेक्शन है। फिर से रिपीट करती हूं, आर जो बढ़ रहा है वो 0 टू इंफिनिटी, थीटा जो बढ़ रहा है वो 0 टू पाई, और फाई जो बढ़ रहा है वो 0 टू 2π, इस डायरेक्शन में ही मेजर होगा। तो ए आर की डायरेक्शन ये हो गई, थीटा की डायरेक्शन मुझे समथिंग डाउनवर्ड मिलेगी, और फाई की डायरेक्शन मुझे कुछ टेंजेंशियल ऐसे मिलेगी। फिर से मैं रिपीट कर देती हूं कि आर का वेरिएशन ओरिजिन से रेडियली आउटवर्ड होगा सभी डायरेक्शन में, रेंज 0 टू इंफिनिटी होगी। थीटा का वेरिएशन पॉजिटिव जेड एक्सिस से ही मेजर होगा, और वो मेजरमेंट ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बोर्ड के फ्रंट में भी जेड एक्सिस से बिलो होगा, बैक में भी जेड एक्सिस से बिलो होगा, मतलब हमेशा जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, पॉजिटिव जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में थीटा की वैल्यू ऐसे ही मेजर होगी, ऐसे ही मेजर होगी। तो मैक्सिमम पोजीशन पी की जो हो सकती है वो माइनस जेड पर हो सकती है, तो 180 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू होगी थीटा की। तो हमारा जो यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड होगा, कौन सा वाला? ए थीटा वाला, वो यूनिट वेक्टर डाउनवर्ड ही डायरेक्टेड रहेगा क्योंकि थीटा ऐसे बढ़ रहा है।
फाई जो है वो प्लेन जो एंगल बना रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, और ये फाई एंगल जो लाई करता है वो एक्स वाई प्लेन पर लाई करता है, तो एक्स वाई प्लेन के रिस्पेक्ट में पूरा मेजरमेंट फाई का हो रहा है। मतलब ए फाई यूनिट वेक्टर जो होगा वो एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहा होगा, ए थीटा जो लाई कर रहा होगा वो स्पेस में लाई कर रहा होगा, उसके एग्जिस्टेंस को अभी मैं समझाऊंगी, और ए आर जो लाई कर रहा है वो रेडियली आउटवर्ड ओरिजिन से, बोर्ड इस ओरिजिन से चारों तरफ, फ्रंट ऑफ द बोर्ड एंड बैक ऑफ द बोर्ड पूरा। तीनों यूनिट वेक्टर्स के डायरेक्शन अभी हमने समझी कि ए आर जो है वो ओरिजिन से रेडियली आउटवर्ड, ए थीटा जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पर कहाँ होगा वो स्फेरिकल शेल, ये पूरा स्फीयर है जिसका सिर्फ मैंने छोटा सा सरफेस शो कर रही हूं, ये सरफेस स्फेरिकल सरफेस पर टेंजेंशियली डाउनवर्ड ए थीटा की डायरेक्शन होगी, और जो ए फाई होगा वो ए फाई इस रेक्टेंगुलर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा बैक साइड में, और साथ में ए फाई की एक नई डेफिनेशन या नए तरीके से ए फाई की डायरेक्शन को समझने के लिए एक और एग्जांपल देती हूं, वो है कोन का जो टॉप मोस्ट सर्कल है, ये जो कोन फॉर्म हुआ था या कोन मैंने बताया था, उस कोन के टॉप मोस्ट सर्कुलर सर्कल का टेंजेंशियल ए फाई डायरेक्शन होगा। फिगर पर मैंने ए आर, ए थीटा और ए फाई की डायरेक्शन बता दी, आई विल डिफाइन इट एंड राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ इट। ए आर यूनिट वेक्टर, दिस इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम ओ और एंड परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल शेल, मतलब ये स्फेरिकल जो शेल है उस पर ये परपेंडिकुलर होगा। हम जानते ही हैं कि रेडियस हमेशा सर्कल के सर्कमफेरेंस के या फिर स्फीयर की जो रेडियस होती है वो स्फेरिकल शेल के परपेंडिकुलर होती है। सेकंड, ए थीटा को डिफाइन करूं, यहां पर मैंने ए थीटा को आप लोगों को बताया कि स्फेरिकल शेल के टेंजेंशियल होगा, सो द सेम थिंग आई एम राइटिंग, डायरेक्शन ऑफ ए थीटा इज इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड टेंजेंशियल टू द स्फीयर। सिमिलरली ए फाई को डिफाइन करें, यहां पर फिगर में मैंने कोन का जो टॉप मोस्ट सर्कमफेरेंशियल सर्कल है उस पर टेंजेंशियल ए फाई शो कर रही हूं, सो आई एम राइटिंग द सेम थिंग, एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव x-axis towards positive y-axis and tangential to the topmost circle of So, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स इन तीन डायरेक्शंस में एक्ट होंगे। अभी जो डेफिनेशन बताई थी AR की, A थीटा की और A phi की, तो वो हम इस फिगर पर भी फिर से समझ सकते हैं। ओरिजिन से रेडियली आउटवर्ड AR की डायरेक्शन, स्फेरिकल शेल जो यहाँ पे शो हो रहा है उसकी कुछ लाइन इंटरसेक्शन की दिखा रही हूं, तो इस स्फेरिकल शेल पर जहां पर P लाई करता है वो लाइन दिखा रहे हैं शेल पर, और उसको टेंजेंशियल A थीटा पिंक कलर में दिख रहा है, और इसी प्लेन पर जहां पर P लाई कर रहा है और ये पूरा
हेज्ड प्लेन जो है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ए फाई की डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन मैं डेफिनेशन के थ्रू लिख चुकी हूं, समझा चुकी हूं कि ये क्या डायरेक्शन। सेम इसी को मैं रिपीट कर सकती हूं। इस फिगर में जो रेक्टेंगल हमें दिख रहा है, ये रेक्टेंगल एक्स एक्सिस से फाई एंगल पर है, यही रेक्टेंगल वाई एक्सिस से 90-5 एंगल पर है। तो एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूं कि ये जो रेक्टेंगल है या ये पूरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम को मैं 90-5 एंगल से रोटेट कर दे रही हूं। 90-5 एंगल से रोटेट कर देने पर क्या हो रहा है, ओपी डैश जो है वो बोर्ड पे आ जा रहा है, वाई एक्सिस बोर्ड के बैक साइड में जा रही है और एक्स एक्सिस जो है वो बोर्ड से फाई एंगल पर आ जा रही है। सेम इसी परसेप्शन को, इसी विजुलाइजेशन को मैं इस फिगर पर शो कर रही हूं। एक्स एक्सिस ये है जो बोर्ड से फाई एंगल पर आ गई है, ओपी डैश जो है वो हमारा यहां आ चुका है और जो मेरा रेक्टेंगुलर प्लेन है वो ऐसा कुछ होगा। इस रेक्टेंगुलर प्लेन को मैं बोर्ड पर ले आई हूं और वाई एक्सिस जो है वो बोर्ड के बैक साइड में जा चुकी है। ये जो प्लेन है बोर्ड पे आ गया तो ए आर ये वाली डायरेक्शन हो गई, ए थीटा इसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड हो गया और ए फाई जो है वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर बैक ऑफ द बोर्ड में जा चुका है। इतने डिफरेंट वेराइटीज में हम ए आर, ए थीटा और ए फाई को समझ सकते हैं। डिफिकल्टी जो मैं मानती हूं वो ए थीटा की डायरेक्शन को समझने में आती है या ए फाई की डायरेक्शन को थोड़ा बहुत समझने में आती है। तो होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, पर जैसे जैसे प्रॉब्लम्स लेंगे और दूसरे टॉपिक्स हम कवर करेंगे तो और आपको क्लेरिफाई हो जाएगा डायरेक्शंस को लेकर। अब मैं आती हूं ऑर्डर्स पर। ऑर्डर जो मेंटेन्ड होता है वो ए आर, ए थीटा और ए फाई ऐसे ही मेंटेन होता है। मतलब इफ टर्निंग ए आर towards a theta by right hand, then screw proceeds in a phi direction। वही सेम रूल यूज कर रहे हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझाया था ए से वाई ए जेड की डायरेक्शन को समझाने के लिए, या फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए रो, ए फाई और ए जेड की डायरेक्शन समझाने में, उसी तरीके से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए आर, ए थीटा और ए फाई के ऑर्डर को समझाने के लिए मैं राइट हैंड स्क्रू रूल ही यूज कर रही हूँ, जिसमें ये कह रही हूं कि अगर मैं ए आर को ए थीटा की तरफ टर्न करती हूँ राइट हैंड से तो स्क्रू मेरा प्रोसीड होता है ए फाई डायरेक्शन। सेम यही स्टेटमेंट मैं लिख सकती हूं, अगर मैं ए थीटा को टर्न कर रही हूं ए फाई की डायरेक्शन में तो स्क्रू प्रोसीड होगा ए आर डायरेक्शन में। सिमिलरली इफ आई एम टर्निंग ए फाई टूवर्ड्स ए आर, देन माई स्क्रू विल बी प्रोसीडिंग इन ए थीटा डायरेक्शन एंड माई स्क्रू इज नथिंग बट फॉलोइंग द राइट हैंड टर्निंग। मतलब मैं स्क्रू को टर्न करने का काम किससे कर रही हूँ, राइट हैंड से। और दूसरा तरीका है सेम ऑर्डर को समझने का, वो है क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू। ए आर क्रॉस ए थीटा प्रोवाइड्स मी ए फाई और ए थीटा क्रॉस ए फाई प्रोवाइड्स मी ए आर और ए फाई क्रॉस ए आर प्रोवाइड्स मी ए थीटा। इस तरीके से हम ऑर्डर को समझ सकते हैं और ये ऑर्डर फिक्स है, ए आर, ए थीटा और ए फाई, एक ये कन्वेंशन बना हुआ है जो फिक्स है और उसकी डायरेक्शन को समझने के लिए हम राइट हैंड स्क्रू रूल फॉलो करते हैं। जिस तरीके से चाहे आप ये तरीका अपनाओ, मतलब ए आर को राइट हैंड से ए थीटा की तरफ टर्न करो तो राइट स्क्रू जो है वो प्रोसीड होगा ए फाई में, या फिर आप ये वाला तरीका भी समझ सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए आर
एंड ए थीटा जो रिजल्टेंट या प्रोडक्ट देता है वो ए फाई डायरेक्शन में होगा, और सिमिलरली यहां पर भी हम सेम चीज फॉलो कर सकते हैं. तो दिस इज अबाउट द यूनिट वेक्टर एज वेल एज देयर ऑर्डर्स, इन व्हाट ऑर्डर वी हैव टू कीप ए आर, ए थीटा एंड ए फाई.